أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام تحية والإكرام على رسول الأعظم الأمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر بلقیس فاطمہ رئیسہ بیگم محمد عالم زیدی حامد حسین شاہدہ بیگم ہمایون بیگم اور ملکہ بیگم ان تمام امید ومنات کی ارواح کو شاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم اللہ نے انسان کو پورے توازن کے ساتھ پیدا کیا پورے بیلنس کے ساتھ پورے پروپورشن کے ساتھ تناسب کے ساتھ پرفیکٹ جسم دیا جسم کے اندر خون کی نہریں جاری کی ہڈیوں کے پہاڑ قائم کیے اتزعم انک جرم صغیر وفیکن طول عالم الاکبر امیر المومنین نے امام حسن سے کہا تھا بیٹا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک معمولی جرثومہ ہو نہیں بلکہ تم ایک عالم اکبر تمہارے اندر ایک کائنات ہے جست بھی ہے فاسفرس بھی ہے آئرن بھی ہے سمجھ رہے ہیں آپ گندک بھی ہے سائنس نے ان تمام چیزوں کا پتہ لگا لیا ہے کہ ہماری باڈی میں کتنا فاسفرس ہے کتنا گندک ہے کتنا لوہا ہے کتنا جست ہے سمجھ رہے ہیں تو کیا اتنا ہی تناسب سے سائنس یہ ساری چیزیں جمع کر کے ایک انسان بنا سکتی ہیں یہ 6 فٹ کا انسان اگر اسے مارکیٹ میں بیچا جائے تو چند ہزار سے زیادہ کس کی قیمت نہیں ہے ہے کہ نہیں وہ بھی سیل پر کوئی خریدنے والا نہیں خلیفہ دوم کے زمانے میں اب بات بیچنے کی آ گئی ہے دو لوگ بڑے چیٹر تھے اس زمانے میں بردہ فروشی ہوتی تھی غلاموں کو بیچا جاتا تھا خریدار بیچا جاتا تھا خرید و فروخت ہوتی تھی دونوں ایک شہر میں جاتے ایک دوسرے کو بیچتا ایک آدمی ایک دوست دوسرے دوست کو بیچ دیتا اور چند دن کے بعد وہ پھر دوسرے شہر میں آ جاتا چکما دے کے مالک کو دوسرے شہر میں آ جاتا پھر دونوں میں ایک ہو جاتا
फिर तीसरे शहर में जाते फिर एक दूसरे को बेचता। अब एक दिन पकड़े गए, आए खलीफा हारून के पास, तो उनसे तो कोई फलसा नहीं हो सका। इतने में अमीर अल मोमिनीन आ गए, अमीर अल मोमिनीन ने कहा दोनों की उंगलियां काटी जाएं, और न सिर्फ उंगलियां बल्कि इनके हाथ भी काटे जाएं। तो खलीफा हारून ने कहा कि हाथ क्यों, उंगलियां क्यों? तो अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि ये खुद के भी चोर हैं और उनके भी चोर हैं। ये खुद के भी चोर हैं और औरों के भी ये चोर हैं। अगर इस बॉडी को बेचा जाए तो चंद डॉलर से ज्यादा इसकी कीमत नहीं है, मगर अल्लाह ताला ने इस जिस्म को इतना परफेक्ट बनाया है, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदल, पहले तो उसने कहा मैंने खल्क किया तुम्हें, सिर्फ खल्क खिलकत पे रुका नहीं, तो उसने कहा फसव्वा, फसव्वा कहते हैं मैंने फिनिशिंग की तुम्हारी, मैंने संवारा, मैंने सजाया, फअदल पूरे मीजान के साथ भेजा, हड्डियों के ऊपर गोश्त का गिलाफ चढ़ाया, गोश्त के ऊपर खाल की मोटी मोटी तहें उड़ाई, पलकों की चिलमन में नूर का चराग जला के भेजा, दांतों के कटहरे में जबान को बोलने का तरीका बता के भेजा, दिमाग के फानूस में अकल की शमा को रोशन करके भेजा, पूरी तरह बाकमाल बना के भेजा। बाकमाल बना के भेजना उसका काम था, कमाल की कदर करना हमारा काम। बाकमाल बना के भेजना, उसने अपना काम कर दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी शुरू है। और ग्रेटर मुहतरम, उसने अपना काम तमाम कर दिया, अब जिम्मेदारी हमारी है। इंसान की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, याद रखिए, न डिग्रियां उसके मर्तबे को बढ़ा सकते हैं, ना ओहदे उसके मकाम को बुलंद कर सकते हैं। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन इंसान की यह है कि वो इंसान बन जाए, वो इंसान बन जाए, सिर्फ इंसान, सिंपल सी बात, इंसान बन जाए। और गायहाली ने कहा मेरे मालिक ने मेरे हक में ये एहसान किया, खाके नाचेज था मैं सो मुझे इंसान किया, खाके नाचेज, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। अमल से जिंदगी बनती है इकबाल, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, तो फिर क्या है ये, ना नूरी है ना नारी है, तो क्या है? नहीं, ये नूरी भी नहीं है, नारी भी नहीं है। अगर अच्छा हो जाए तो फरिश्तों से बेहतर हो जाता है, ये नूरी नहीं रहता, नूरी से बेहतर हो जाता है। बुरा हो जाए तो शैतान से बदतर हो जाता है। ना ये नूरी है ना ये नारी है, या ये फरिश्तों से बेहतर है या शैतान से बदतर है। इंसान, इंसान बने सबसे, जिस चीज के लिए इंसान खल्क हुआ है, अगर उससे जो चीज जिस चीज के लिए बनी है अगर उससे वही काम ना निकले तो फिर किस फायदे का। मोर बहुत खूबसूरत है लेकिन वो अगर रक्स ना करे तो किस काम का। कोयल की को आवाज बड़ी सुरेली है लेकिन अगर वो ना बोले तो कौवा बेहतर है। मोर रक्स ना करे तो गधा बेहतर है। शकर में मिठास ना हो तो मिट्टी बेहतर है। इंसान में इंसानियत ना हो तो भी जानवर बेहतर है, है कि नहीं? इंसान में अगर इंसानियत ना हो, शकर में अगर मिठास ना हो तो मिट्टी बेहतर है। इंसान में अगर इंसानियत ना हो तो जानवर बेहतर है।
इसीलिए कुरान मजीद ने कहा बल हुम अज़ल्लु सबीला। इंसान अगर इंसानियत बनाए तो वो तो फिर जानवरों से बदतर हो जाता है। मा खलक़ता बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे अल्लाह के बारे में किसने मकरूर कर दिया? किस चीज ने? इल्म ने, दौलत ने तुझे मकरूर कर दिया, हुस्न ने मकरूर कर दिया, इख्तदार ने मकरूर कर दिया, ओहदे और मनसब ने तुझे मकरूर कर दिया। आखिर किस चीज ने तुझे अपने परवरदिगार से मकरूर कर दिया? अमीर अल मोमिनीन हिजबुल्लाह में प्यारा जुमला फरमाते हैं, इन जानवरों को हकीर ना समझो, अल्लाह ने इनमें तुम्हारे लिए इबरत के बड़े बड़े सामान रखे हैं। अपनी सियासत पर गुरूर ना करो कि चूंटी तुमसे अच्छी सियासत जानती है, वो कमजोरी के मौके पर जगह छोड़ देने ही को अकलमंदी समझती है। अपने बंदों पर गुरूर ना करो कि भैया जो घोंसला बना लेती है वो तुम नहीं बना सकते। अपने इंजीनियरिंग पर गुरूर ना करो कि मकड़ी जो जाला बुन देती है वो तुम नहीं बुन सकते। अपनी इंडस्ट्री पर गुरूर ना करो कि शहद की मक्खी जो शहद बना लेती है वो तुम नहीं बना सकते। अपने वेपन पर गुरूर ना करो कि अबाबिल के पास जो वेपन है वो तुम्हारे पास नहीं है। अरे अपने इतिहास पर गुरूर ना करो, एक कम्बा बन जाता है तो सारे कम्बे इकट्ठा हो जाते हैं, एक चूंटी मिठास की तरफ जाती है तो सारी चूंटियों की एक कतार लग जाती है। कीड़े के मुंह में रेशम, मक्खी के थूक में शहद, जुगनू के दुम में उजाला, तुमने दुनिया को क्या दिया है जो गुरूर कर रहे हो? तुमने दुनिया को क्या दिया है जो गुरूर कर रहे हो? किस चीज ने आखिर मगरूर कर दिया? मा खलक़ता बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने मगरूर कर दिया तुम्हें? कुदरत के मुकाबले में सादगी अपनाओ। अल्लाह तुम्हें दौलत दे, अल्लाह तुम्हें इल्म दे, अल्लाह तुम्हें हुस्न दे, अल्लाह तुम्हें कोई ओहदा दे, तो यह ना समझ लेना कि अल्लाह से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी कायम हो गई है। अगर तुम यह सोचो तुम्हारे से बड़ा सीनियर रिश्तेदार फिरौन है, वो सबसे बड़ा सीनियर रिश्तेदार है। नहीं, अल्लाह ताला आजमाइश के लिए इल्म देता है एक आदमी को, आजमाइश के लिए हुस्न देता है। चावल जब तक पकते नहीं बहुत शोर करते हैं, जब तक चावल उबलते हैं पकते नहीं बहुत शोर करते हैं, ना खुशबू ना जायका ना मजा। लेकिन जब दम हो जाते हैं, दम नहीं जब दम निकल जाता है, जैसे ही ढक्कन खोला पूरे घर में खुशबू फैल गई। कमाल अपने साथ खुशबू लाता है, कितना नहीं लाता। कमाल खुशबू लाता है, कमाल खुशबू लाता है। इल्म का कमाल इंसानों को मिलाता है, दौलत का कमाल गरीबों के काम आता है, हुस्न का कमाल अल्लाह ताला की खलाकियत और उसकी सनत में सजदा कराता है इंसानों को। तो कमाल जब आता है एक मकरूर इंसान, अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए इंसान की जैसे उसकी मिसाल था। वो ऊपर से नीचे वालों को देखता है तो सब उसे छोटे नजर नजर आते हैं, लेकिन नीचे वाले भी उसे देखते हैं तो वो छोटा नजर आता है। दो तरफा है, ये ना समझ जाए कि भाई मैं सबको छोटा देख रहा हूं, अगर मैं दूसरे को छोटा देखूंगा तो वो भी मुझे छोटा देखेगा, वो भी मुझे छोटा तसव्वुर करेगा। तो लिहाजा जरूरत यह है कि परवरदिगार के बारे में इंसान को चाहिए। और सारा इस्लाम सिर्फ दो बातों में सिमटा हुआ है, एक अल्लाह की अजमत का इकरार, दूसरे उसके बंदों से मोहब्बत। जितना आप मोहब्बत के दायरे को बढ़ाएंगे उतने ही आप अल्लाह से नजदीक होते जाएंगे, करीब होते जाएंगे। और इन महाफिल मजालिस रमजान मुहर्रम सफर और जो हमारे अहम प्रोग्राम्स हैं, इनका मकसद भी ये है कि हमारी तरबियत हो, हमारी तरबियत हो। अगर हमारा करप्शन नहीं हो पा रही है हमारी, तो फिर इनका कोई फायदा ही नहीं। भाई किसी इंसान ने एक एप्पल खाया, लेकिन एप्पल खाने के साथ साथ ना उसके मुंह को मजा मिले ना उसकी बॉडी को एनर्जी मिले, इसका मतलब है कि उसने एप्पल खाया ही नहीं। सिंपल सी बात है, मजलिस करें, हजारों डॉलर्स का हमारा सरमाया खर्च हो रहा है, बल्कि लाखों डॉलर्स का, मिलियंस में हमारा खर्च होता है। और सबसे
जो कौम सबसे ज्यादा डोनेट करती है, डोनेशन देती है, वो हमारी कौम है। और इतना बड़ा सरमाया खर्च होने के बावजूद हम लोग आज दिन में भी यही बातें कर रहा था। कल मैंने वसीयतनामा पढ़ा अमीर उल्मोमिनीन का, इंशाल्लाह फिर एक बार मैं उसको पढ़ूंगा। एक एक जुमले पर कभी आप उसके गौर कीजिए, एक एक जुमले पे अमीर उल्मोमिनीन की। अगर ये वसीयत इन गौरों को मिल जाती तो यकीन उसके ऊपर अमल करते हैं। इनके पास रूहानियत का इल्म नहीं है, दुनिया का सारा इल्म इनके पास है, लेकिन ये बताने वाला कोई इल्म नहीं। और हमारे पास एक से एक शाहकार रहनुमा है मिले, अजीम रहनुमा हम लोगों को मिले, और किसी कौम को ऐसे रहनुमा में नहीं मिले जैसे हमें मिले, अली हसन हुसैन। लेकिन हमने इनको जरिया फख्र बनाया, नमूना नहीं समझे, हमने फख्र का सबक जाना, नमूना नहीं समझा। काश हम लोगों ने नमूना समझ लिया होता तो आज हमारी यह हालत नहीं होती जो आज पूरी उम्मत इस्लामिया में हो रही है। तो हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें आइमा मासूम अलैहिस्सलाम की सीरत पर पूरी तरह चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।